एक दिवसीय प्रवास पर शहडोल जिले में पहुंचे सीएम, मां कंकाली और भाटिया मंदिर में किया पूजन अर्चन, माता रानी से मांगा जीत का आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर शहडोल जिले की जयसिंह नगर के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सबसे पहले सीएम जयसिंह नगर विधानसभा अंतर्गत अंतरा गांव पहुंचे। यहां मां कंकाली देवी का दर्शन किया और जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद सीएम का उड़न खटोला जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के भटिया में उतरा। यहां सीएम शिवराज ने मां सिंह वासिनी देवी का दर्शन और पूजन अर्चन किया। दोनों ही स्थानों पर सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। भाटिया में जैतपुर सीट से उम्मीदवार जयसिंह मराबी को फिर से मंत्री बनाने का संकेत सीएम शिवराज ने मंच से ही दे डाला। वहीं भाटिया में माता रानी का लोक बनाने की मांग पर सीएम शिवराज ने कहा कि अभी आचार संहिता है, इस कारण घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन माता रानी का आदेश हुआ है तो यह काम भी पूरा होगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कंकाली मैया ने यही कहा कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है। अंतरा और भटिया में जनसभा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अंतरा और भटिया में सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले मुझसे बड़े परेशान हैं। कई तो कह रहे हैं मामा का श्राद्ध हो गया है, लेकिन सुन लो, मामा ऐसे नहीं जाने वाला है, मैं राग के ढेर से भी उठकर जनता की सेवा करूंगा। वहीं भटिया में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, अब प्रियंका गांधी से कुछ भी बुलवा रही हैं। बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रियंका गांधी भी झूठ बोल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेसी आजकल बड़े परेशान हैं, कहते हैं कि हम चुपचाप पैसा डाल देंगे। भैया, हम पैसा डाल रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने तो कभी डाले नहीं। मैंने लाडी बहन योजना बनाई तो कहने लगे ये तो वैसे ही है, फिर कहने लगे ज्यादा नाम नहीं आएंगे, फिर कहे पैसा नहीं देंगे, फिर कहे हजार ही देंगे, फिर कहने लगे बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन आज प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनें बन चुकी हैं, जिनका नाम छूट गया है उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अंतरा में भरी सभा में एक मासूम बच्ची को बुलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अपने परिवार की बेटी है, इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, यह मेरी बेटी है और मामा के रहते यह बेटी अनाथ कैसे रह सकती है? माता पिता नहीं तो खुशबू का मामा तो है, मेरी बेटी खुशबू चिंता मत करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आचार संहिता है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि खुशबू की संपूर्ण व्यवस्था मामा करेगा, ताकि इसकी जिंदगी में कोई कष्ट, तकलीफ और परेशानी ना हो। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।